आज पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक बार फिर से लोकतांत्रिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हैं। विधायकों ने आपस में मारपीट की और धक्का मुक्की की। बीरभूम नरसंहार समेत कई मामलों को लेकर जबरदस्त यहां पर बवाल हुआ। बीजेपी का यह आरोप है कि उनके विधायकों के साथ टीएमसी के विधायकों ने मारपीट की और उन्हें धक्का दिया गया। इस पूरे बवाल के बाद नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी समेत 4 बीजेपी विधायकों को विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी के विधायकों ने नारेबाजी की और उनके सुरक्षाकर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। बीजेपी के विधायकों ने कागज के टुकड़े फाड़कर स्पीकर पर उड़ाए और वेल में उतरकर नारेबाजी की। बीजेपी विधायकों की नारेबाजी के बाद टीएमसी के विधायक भी उतर गए और आपस में भिड़ गए। मंत्री फिरहाद हकीम ने बीच बचाव की कोशिश की लेकिन वो भी आपस में उलझते दिखे। इसमें विधायक नरहरी महतो गिर गए। बीजेपी का यह भी आरोप है कि टीएमसी नेताओं ने विधायक मनोज टिग्गा के कपड़े फाड़ दिए और उन पर हमला किया और उनके साथ हाथापाई भी की गई। तो पश्चिम बंगाल की विधानसभा की यह तस्वीर लोकतंत्र को सवाल उठाते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक सवालिया घेरे में लाती है, सवालिया निशान लगता है यहां पर, क्योंकि बंगाल विधानसभा में फिर से लोकतंत्र की धज्जियां कैसे उड़ी हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। हाथापाई, सवाल ये उठता है कि इन विधायकों पर जनता भरोसा करती है, इनको विधायक बनाकर सदन में भेजती है और सदन के भीतर किस तरीके से यहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था का माहौल उड़ाया जाता है, ये तस्वीरें पूरी हकीकत बयां कर रही हैं। तो टीएमसी और बीजेपी के विधायक आपस में किस तरीके से भिड़ गए, ये लग ही नहीं रहा कि विधानसभा के अंदर की ये तस्वीर है। तो ये तस्वीरें आपने देखी और उसके बाद किस तरीके से नारेबाजी हुई ये भी आपके सामने। तो बंगाल विधानसभा में फिर से उड़ी लोकतंत्र की धज्जियां। यह बंगाल में जो हालत है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवेंशन चाहिए। 356 और 355 दे विल डिसाइड, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये रामपुरहाट का हादसा का बाद फिर बसीरहाट में देख लीजिए, 11 साल का छोटा एक लड़की के ऊपर कैसे 15 आदमी ने बलात्कार किया, कैसा हालत है, आरजी करके जाइए, किसी को घुसने नहीं दे रहा है, उसकी पिताजी को अंदर कर दिया, किडनैप कर दिया है गवर्नमेंट ने। ये जो हालत है ये हालत सुधारने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूर जल्दी हस्तक्षेप करना चाहिए।